आगे बढ़ेंगे एडेलवीस के श्री सजल जी गुप्ता को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पेन ये है कि इंडिया एक बहुत ही मैच्योर एक्सपोर्टर कंट्री बन सकता है पर बन क्यों नहीं रहा है. वी आर एक्सपोर्टिंग अ लॉट बट आर वी मैच्योर इनफ? व्हाई डोंट वी अर्न आउट ऑफ अवर एक्सपोर्ट्स? बिकॉज बहुत सारे मिल वाले जैसे वर्तमान मिल के धुरिया जी है, वो मुझे कहते हैं कि भाई मनीष भाई जो रेट में इंडियन एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं वो रेट में अगर मुझे कॉटन दे दे तो यहाँ से सीमा पार भेजने की उनको जरूरत ही ना पड़े. इस रेट में एक्सपोर्ट करने की जरूरत क्या है? क्यों संजय जी? तो ऐसा एक्सपोर्ट में क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? एक फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. फॉरेक्स में हम बहुत बार मिस कर जाते हैं. मैंने बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को सुना, अरे यार डॉलर बढ़ गया मेरा तो बेटा गर्क हो गया, डॉलर घट गया मेरा नुकसान हो गया. तो डॉलर बढ़ना घटना जो हमारी फील्ड में नहीं है उसको हम कैसे किसी एक्सपर्ट से सुलझा सकते हैं, इस गुत्थी को ये सजल जी बताएंगे. सजल जी, आई विल जस्ट टेक योर वन मिनट. मैं हिंगनघाट से आए हुए गीमा टेस्ट के विनीत जी, प्रकाश वाइट गोल्ड के ओम जी, और कोई आया हो पीवी टेक्सटाइल से तो उनको आगे बोलूँगा, प्लीज आगे आइए. वी हैव फाउंड हिंगनघाट टू बी द मोस्ट इनोवेटिव कॉटन टेक्सटाइल हब इन इंडिया, मोस्ट इनोवेटिव. एक ही गांव हिंगनघाट, कितने लोग हैं जिन्होंने उनका नाम भी नहीं सुना है? कितने लोग हैं जिसने हिंगनघाट का नाम नहीं सुना था आज से पहले? सबने सुना है? तो मैं आपको एड्रेस पूछूंगा ज्योग्राफी में, कहां है हिंगनघाट. ऐसी जगह से आके, एक ही जगह से आके क्या क्या नहीं कर रहे ये लोग. यहाँ के एपीएमसी के चेयरमैन आज आने वाले थे श्री सुधीर जी कोठारी, द बिगेस्ट एपीएमसी इन महाराष्ट्र इज इन हिंगनघाट. और कितना बड़ा लिस्ट है फार्मर्स के लिए कर रहे हैं, एक रुपए में खाना दे रहे हैं, एक रुपए में रहने के लिए दे रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग पे बेनिफिट्स करके दे रहे हैं. अगर हर एपीएमसी में ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है इंडिया में. फार्मर क्यों खुशी खुशी एपीएमसी में आके सेल नहीं करेगा? फिर ये गीमा टेक्स है मेरे बाजू में, इंटीग्रेटेड में ऑलरेडी विनीत जी बोल चुके हैं, बायो प्रोडक्ट्स में क्या ये नया नया कर रहे हैं. उसी गांव में एक पीवी टेक्सटाइल है जो एक सिटी की कॉन्फ्रेंस में ही मुझे मिले थे, मेरे को बोला कि आपको अगर कॉटन सप्लाई मेरे साथ शुरू करना होगा पहले मेरी मिल में आना होगा. मैंने बोला सर मिल में आने से क्या मतलब है, आपको कॉटन चाहिए तो आप मेरे घर में आए? बोला नहीं पहले मेरी मिल देखनी होगी. ये रोबोटिक्स इन द मिल, और खुशी खुशी दिखाना चाहते थे मुझे, देखिए मैंने ये चेंजेस किया. तो हिंगनघाट में बैठ के ये सोच है कुछ वहाँ के पानी में, ऐसा मुझे लगा. तो इसीलिए फिर ओम जी हैं, प्रकाश वाइट गोल्ड जो मैंने शुरुआत में शेयर किया था, वी गेव हिम द बेस्ट डिनर अवार्ड लास्ट ईयर, वो मर्सिडीज बेंज वाला, ही इज द वन, ओम जी दालिया. तो ऐसा विजन लेके चलते, पूरे साल उन्होंने प्रीमियम जनरेट किया. वी रियली लाइक टू अप्रिशिएट यू विद अ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन. सजल जी आइए प्लीज, एक सर्टिफिकेट आपके हाथ से ओम जी को. प्रकाश वाइट गोल्ड, द मोस्ट प्रोग्रेसिव जिनर दैट वी हैव फाउंड इन रीसेंट टाइम्स, प्रीमियम फॉर एवरी लॉट दैट ही मेक्स. कम भाव में बेचना ही नहीं है, बाहर को क्या चाहिए वो देता हूँ. थैंक यू ओम जी, सर्टिफिकेट. संजय जी प्लीज आइए, विनीत जी आपके लिए, हिमाटेक्स विनीत जी मोदा. थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू. दो और सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं, पीवी टेक्सटाइल वाले अरुण जी कल आने वाले थे, कोई फैमिली रीजन की वजह से रुकते, और सुधीर जी कोठारी मैंने बताया अपनी फ्लाइट मिस कर गए. सजल जी द माइक, द स्टेज इज योर्स. एडलवाइस के श्री सजल गुप्ता, फॉरेन एक्सचेंज से आप टेक्सटाइल्स में प्रॉफिट्स कैसे बना सकते हैं? देखिए मैं ये कहूँगा कि प्रॉफिट्स बनाने से पहले जरूरी है कि नुकसान ना है. तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भाई लोग हमेशा फॉरेक्स में ये समझते कि सब लोग पैसा बनाना है. मैं कहता हूँ कि फॉरेक्स मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट होती है कि आपको नुकसान ना हो. आप इंश्योरेंस किस लिए लेते हैं कि नुकसान ना हो. तो फॉरेक्स को जब आप ये समझेंगे कि ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और पैसा बनाने के लिए तो फिर कॉटन करें ना करें फिर फॉरेक्स भी कर ले तो बहुत है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फॉरेक्स को जो भी लोग कॉटन से एसोसिएटेड हैं, हम यहाँ पे काफ़ी फार्मर्स भी हैं, किसान भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, सब कुछ इम्पोर्टर्स हैं, कुछ एक्सपोर्टर्स हैं. अब किसान सोचेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, डॉलर अगर 74 हो जाता है तो ऑब्वियसली जो एक्सपोर्टर है उसको भाव अच्छा मिलेगा तो किसान को भी भाव अच्छा मिलेगा.
तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डॉलर से सब लोग एसोसिएटेड हैं आज की डेट में, जो भी कॉटन इंडस्ट्री में है, चाहे आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल पैरिटी क्या है प्राइसिंग की। मैं आपको एक, अब लोग कहते हैं कि हम तो कॉटन के बिजनेस में, वैसे फॉरेक्स तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम फॉरेक्स में दिमाग नहीं लगाना चाहते, जो रेट मिलेगा मिल जाएगा। अब मैं आपको एक 10 साल का चार्ट दिखाता हूँ डॉलर में। अगर आप कॉटन का काम कर रहे हैं और आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं भी करते तो भी आपके ऊपर डॉलर का इम्पैक्ट पड़ेगा, रोज कॉटन के प्राइस के ऊपर डॉलर का इम्पैक्ट 100% आता है। अब लोग कहेंगे घूम फिर के हमारा तो वही तो हो जाता, मोटा मोटा ऊपर नीचे घूम के डॉलर वहीं पर आ जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे, ये 10 साल का चार्ट है, 5 महीने में 25%, 6 महीने में 23%, 1 साल में 15%, अभी लास्ट में वापस मोदी जी के समय में ही 63 से 2018 में अगर आप देखेंगे 63 से 74.5 चला गया था डॉलर लगभग 8-10 महीने के अंदर अंदर। तो ये मैं लास्ट वाला जो पीरियड है वो इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज लोगों को ये लगता था कि भाई मोदी साहब जो है वो डॉलर को ऊपर जाने भी नहीं कभी भी, पर जब ये 8 महीने गया तो मोदी साहब ने इसके ऊपर एक भी भाषण नहीं दिया। तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ये चीज़ और भी लोगों ने रिपीट करी थी कि भाई गवर्नमेंट आपका एक हद तक ध्यान रख सकती है, बाकी ध्यान आपको रखना है। आप ये सोचेंगे नहीं कि मैं एक्सपोर्टर हूँ गवर्नमेंट मेरा ध्यान रखेगी डॉलर कंट्रोल में रखेगी, नहीं है। आप सोचेंगे इम्पोर्टर हूँ मेरा गवर्नमेंट ध्यान रखेगी, नहीं है। फॉरेक्स मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर आप इसको सिंपल तरीके से करना चाहें। आप नॉर्मल खरीद बेच करते हैं उसमें रुपये में लेते देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं, एक बहुत सिंपल तरीका है, आप अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए बैंक से, आपका रेट हैज हो जाता है। पर दिक्कत क्या आती है कि इम्पोर्टर सोचता है अरे मोदी साहब आएंगे तो 2-3 रुपये तो डॉलर नीचे आ जाएगा। एक्सपोर्टर सोचता है यार क्रूड बहुत बढ़ गया तो अब तो ये 2-3 डॉलर ऊपर जाने वाला है। तो हम लोग बहुत आशावादी हैं इन सब चीज़ों में, हर आदमी ये आशा करता है कि मार्केट मेरे फेवर में जाएगा, और जहाँ हम आशा करते हैं वहीं निराशा होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बिजनेस को आशा के ऊपर ना चलाइए। आप अपने बिजनेस में जहाँ पे आपकी जो कॉस्टिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने किस रेट पे सौदा पकड़ा है। आपने अगर मान लीजिए आपने लोकल मार्केट से कॉटन लिया है, अब आपको एक्सपोर्ट करना है, अब आप आज का रेट 70 आप ये सोच रहे हैं 71 हो जाएगा 72 हो जाएगा, उसके हिसाब से आपने वृद्धि कर लिया डॉलर 68 हो गया तो आपको नुकसान हो। तो आप अपनी कॉस्टिंग पकड़ के चलिए कि आपने किस रेट पर इम्पोर्ट करना है, किस रेट पर एक्सपोर्ट करना है, उसके सामने आप डॉलर की हेजिंग करिए तो आपको फायदा रहेगा। इसमें एक छोटा सा एडवांटेज एक्सपोर्टर को ये है कि एक्सपोर्टर जो अपने डॉलर बुक करता है उसको एक्स्ट्रा रेट मिलता है डॉलर का। अगर आप आज 1 साल आगे का डॉलर बुक करते हैं तो आपको लगभग 3 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। तो एज एन एक्सपोर्टर अगर आप डॉलर हेज नहीं कर रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत चीज़ है। कायदे से हर एक्सपोर्टर को अपना डॉलर हेज करना चाहिए, इम्पोर्टर को भी करना चाहिए, पर एक्सपोर्टर होकर अगर आप नहीं कर रहे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बड़ी गलती है, क्योंकि आपको मोटा मोटा $1 पे 4-4.5% के आसपास का एक्स्ट्रा रेट मिलता है। माई अंडरस्टैंडिंग इज ए वेरी वेरी गुड इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऑफ हेजिंग। हेजिंग में कॉस्ट लगता है, यहाँ पैसा मिल रहा है, उसके बाद भी लोग हेज नहीं करते। अब इम्पोर्टर के लिए भी हेजिंग जरूरी है, क्यों जरूरी है, रीजन नहीं, अगर आप हेज नहीं करेंगे और डॉलर ऊपर चला जाता तो भी नुकसान है आपको। तो अपने बिजनेस में जो मेरे को समझ में आता है, हम लोगों ने देखा है कि कॉटन में बड़े बड़े प्लेयर्स एक एक 2-2 साल में साफ होते हुए देखे हैं। उसका कारण ये है लोग बड़ी बड़ी बैट्स ले लेते हैं, हेजिंग नहीं करते। और अगर डॉलर माई अंडरस्टैंडिंग इज की जो कॉटन में ट्रेडिंग करते हैं, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके धंधे में 4-8-9% से ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। और आप अगर करेंसी का चार्ट देखेंगे तो 10 साल में ऐसे बहुत सारे 3-3, 4-4, 5-5 महीने के पीरियड्स हैं जहाँ पे करेंसी 10-10, 15-15% मूव करती है। अगर आप उस पीरियड में अनहेज हैं और मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको नुकसान होता है। इसमें एक चीज़ और बता दो, आप कहेंगे नहीं इसमें फायदा भी होता है, और उसमें दिक्कत ये है जब मार्केट आपके 1 रुपये फेवर में आती है ना तो आप उसको झट से लेके बंद कर देते हैं। जब वो नुकसान हो रहा है तो उम्मीद में आशा में आप वेट करते रहते हैं तो वो नुकसान बड़ा होता है। इसीलिए मूवमेंट्स में फ़ायदा कैप्चर करने वाले ना के बराबर लोग होते हैं और नुकसान करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, जब आपको फ़ायदा थोड़ा होगा ना लपेट के घर ले जाएंगे, जब नुकसान होगा तो वेट करेंगे। तो वो जो वेट करने की प्रवृत्ति है या आशा की प्रवृत्ति है उससे नुकसान होगा। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, हिंदुस्तान में काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई कांग्रेस आएगी बीजेपी आएगी उससे फ़र्क पड़ता है, तेल के भाव ऊपर नीचे हो रहे उससे फ़र्क पड़ता है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिससे डॉलर पे फ़र्क पड़ता है।
अब इसमें से कुछ चीजें हैं कि भी डॉलर इंडेक्स यूएस में करेंसी कैसी तेज है नहीं है उसके उससे बहुत फर्क पड़ता है। इंडिया में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऑयल प्राइसेस से। अब मोदी साहब आ भी जाएं और क्रूड 80-85-90 हो गया तो डॉलर 74-75 हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता और वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इंडिया ग्लोबल पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डॉलर को इम्पैक्ट करती हैं। तो एज ए नॉर्मल लेमैन हम लोग अपने दिमाग से सोचते हैं कि इससे फर्क पड़ेगा उससे फर्क पड़ेगा, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है। हम लोग सिर्फ 24 घंटे फॉरेक्स देखते हैं, हमें भी बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ हम लोग भी ये नहीं बता सकते कि मार्केट में क्या मूवमेंट होने वाला है, बिकॉज डॉलर की मूवमेंट एक फैक्टर पे नहीं डिपेंड करती, बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और वो फैक्टर्स कहाँ मूव करेंगे वो अपने आप में एक डायनामिक्स है। अगर मैं यूएस के इंटरेस्ट रेट की बात करूँगा तो यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इंडिया में डॉलर का भाव जो है वो बढ़ता है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जनरल इलेक्शंस हम लोगों ने देखा कि भाई जनरली जब भी इंडिया में जनरल इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के चुनाव जब भी आते हैं, तो उससे एक साल पहले रुपया जो है वो करीबन 10-12% डेप्रिशिएट होता है। और ये इस बार हम 2018 में बिल्कुल क्लियरली देख चुके हैं। ये हमने लगभग अपने सभी क्लाइंट्स को एंटिसिपेट करके बताया था कि भाई अगर मई 2019 में इलेक्शन आ रहे हैं तो पिछले एक साल 12 महीने अगर आप देखेंगे तो फरवरी मार्च 2018 से लेके अक्टूबर तक हमने देखा कि करेंसी किस तरीके से करीबन 15% के आसपास डेप्रिशिएट किया है करेंसी। सो ये अलग अलग ट्रेंड्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो समय समय पे डॉलर के अंदर इम्पैक्ट दिखाई देता है। अब जो ट्रेडिशनल हेजिंग है, लोग पहले कहते थे कि भाई नहीं भाई साहब हेजिंग तो सट्टा है, तो देखिए सट्टा उसके लिए जिसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं है, पर अगर आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है तो आपके लिए हेजिंग और आपके लिए जरूरी है करना इसको। अब बैंकों में आप प्लेन फॉरवर्ड बुक कर सकते हैं। फॉरवर्ड के अंदर क्या है कि आपका रेट एक रेट पे ब्लॉक हो जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आज आप एक्सपोर्टर हैं, आज डॉलर का भाव 70 रुपये है। अब आप डॉलर का भाव फिक्स करते हैं कि 70 रुपये मेरे को डॉलर मिलने वाला है, अब 71 हो गया तो आपको लगे भाई तो नुकसान हो जाएगा, वो भी बताता हूँ कि नुकसान नहीं है फायदा है। पर अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है 25 पैसा खर्च करिए और आपको 70 या उससे ऊपर डॉलर होगा तो आपको 70 से ऊपर मिलेगा और नीचे होगा तो 70 ही मिलेगा। अगर इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से अच्छा है। तो इस तरीके के काफ़ी ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल है जहाँ पे आप रेंज में हेजिंग कर सकते हैं कि भाई 70 और 72 की रेंज में आपने हेजिंग कर दी। 70 के नीचे जाएगा तो मेरे को 70 ही मिलेगा, 70 से बढ़ गया 71.5 हो गया 72 हो गया तो आपको 72 तक भी मिल सकता है। तो आप ये रेंज हेजिंग और अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से आपको हेजिंग मिल सकती है। तो आजकल हेजिंग में भी बहुत सारे जैसे आप सीड्स में ये अलग अलग वैरायटी है, तो हेजिंग में भी आज फॉरवर्ड के अलावा 3-4 वैरायटीज और हैं जो जनरली नेशनलाइज्ड बैंक्स के अंदर उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतनी स्किल सेट नहीं है इन टर्म्स ऑफ, वहाँ पे भी मिलेगा बट वहाँ पे कंपैरेटिवली इस पे गाइडेंस नहीं मिलता है जनरली जो हम लोगों ने देखा है। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को समझाते हैं कि भाई इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये मैं एग्जाम्पल एक इसका दे रहा हूँ, जैसे भाई आज अगर आप 70 रुपये हेजिंग करते हैं तो आप 70 रुपये लॉक हो जाते हैं। अब मैं इसकी जगह कहता हूँ कि एक आप रेंज कर लीजिए, आप 70 से 71 या 70 से 72 तक की हेजिंग ले लीजिए। 70 से नीचे कहीं पे भी जाएगा आपको 70 मिलेगा और 70-71 के बीच में रहता है तो जो रेट आपको मिलेगा, 71 से ऊपर जाता है तो 71 मिलेगा। तो आपको मोटा मोटा ये है कि करंट रेट से 1 रुपये ऊपर मिलने तक की गुंजाइश है। इसी तरीके से इम्पोर्ट्स में भी रेंज बना सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ जो काफ़ी एक मिसकंसेप्शन है कि काफ़ी लोग कहते हैं साहब हमें तो हेजिंग में हमेशा नुकसान होता है। अब मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हेजिंग में कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है। 1% चांस नहीं है कि आपको हेजिंग में नुकसान हो। उसका एक सिंपल रीज़न है, हेजिंग में आप एक रेट लॉक कर रहे हैं जो आपका कॉस्टिंग का रेट है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, आज सपोज आपने एक मकान खरीदा जिसकी कीमत सपोज 1 करोड़ रुपये है। अब ये मकान 6 महीने के बाद या 3 साल के बाद उसका भाव हो गया 1.5 करोड़ रुपये। आपने मकान 1.5 करोड़ में बेच दिया, इसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 50 लाख। अब आपके पड़ोसी ने ये मकान 1.65 करोड़ में बेचा तो आपको कितना नुकसान हुआ? 15 लाख। देखो कुछ लोगों ने बोला इसमें मेरे को 15 लाख का नुकसान नहीं है। अरे भाई जब पड़ोसी ने मकान 1.65 में बेचा तो आपको नुकसान कैसे हो गया? आपका तो 1.5 में बिक गया था। तो एक होता है एक्चुअल लॉस, एक होता है अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस है जो मेरे पड़ोसी को गेन हुआ और मेरे को नहीं हुआ, पर वो आपका नुकसान नहीं है, आपका फायदा 50 लाख का तो आपको हो गया। अब आप ये देखेंगे कि उसके बाद किसने और ऊपर बेचा तो उसका कोई लाज नहीं। उसी तरीके से अब एक्सपोर्टर आज मान लीजिए 70 पे हेज कर दिया तो भाई मेरा तो 70 का माल था, 70 पे हेज हो गया, कोई नुकसान नहीं है।
पर मेरे को दिक्कत कब होती है, अगर मार्केट 71 हो गई और मेरे बाजू वाला 71 में बेचता है ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार ये उसका 71 बिका, मेरा तो 1 रुपया नुकसान हो गया। तो ये एक्चुअल लॉस और अपॉर्चुनिटी लॉस का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने 70 की कॉस्टिंग की और आपका डॉलर 68 में बिका, तो आपका 2 रुपये का एक्चुअल लॉस है, इससे बचिए। वो 71 में बिकेगा, 72 में बिकेगा, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि उसके लिए ये पता होना जरूरी है कि हाईएस्ट रेट क्या होने वाला है, वो किसी को नहीं पता। हाईएस्ट रेट में तो भगवान नीचे उतर के स्टेज पे बोले ना कि भाई साहब ये बात करें, सब घर जाके डॉलर भेज देना, कोई नहीं मानेगा। उससे पूछेंगे भाई साहब आपका आधार कार्ड दिखाओगे क्या, भगवान हो या नहीं हो। सो और दूसरी चीज़ ये है कि भाई काफ़ी लोग डिपेंड करते हैं, नहीं जी हमने ये बोला कि डॉलर 65 हो जाएगा, डॉलर 75 हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो बिजनेस तो देखिए आपका है, आपको अपनी हेजिंग और अपना नुकसान फायदा आपके हाथ में, आपको जो रेट सूट करता है, जहाँ पे आपका रिस्क कंट्रोल होता है वहाँ पे आप हेजिंग करिए। ये रेगुलर काम है, हमें इसमें सट्टा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत अंदाजे से करेंगे, रेंज हेजिंग कर ली वो लॉजिकल है, बट आप ये सोचें नहीं भाई साहब 73 हो तो अपने को 73 मिलना चाहिए, 68 हो गए तो कौन लेगा, वो भी आप ही को मिलेगा। तो दूसरी एक चीज़ ब्रॉडली ये है कि देखिए डॉलर जो है एक, अगर आप पिछले 10 साल का चार्ट आप लोगों ने देखा होगा, तो डॉलर धीरे 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 ऊपर ही जा रहा है, कि आगे आने वाले टाइम में भी ऊपर ही जाएगा। उसका कारण सिंपल है कि हिंदुस्तान का ब्याज यूएस से ज़्यादा है, तो हमारी करेंसी उतनी डेप्रिशिएट करेगी कि वो इंटरेस्ट रेट पैरिटी के हिसाब से दोनों करेंसी का भाव बराबर बैठेगा। फ्लक्चुएशन होंगी, पर लॉन्ग रन में धीरे धीरे डॉलर ऊपर जाने वाला है, उसमें कोई दोराय है ही नहीं। हमने 74.5 से डॉलर को 68-69 आते हुए देखा, अभी भी काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं जी 65 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, मोदी जी आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी एक चीज़ मैं ये कहता हूँ कि अगर डॉलर 72-73-74 होता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, उसका रीज़न बताता हूँ। अगर डॉलर 68 है या 65 है तो हमारे देश में इम्पोर्ट बढ़ने लग जाएगा, जो किसान यहाँ पे कॉटन उगा रहा है उसको भाव सही नहीं मिलेगा, बिकॉज बाहर का कॉटन सस्ता पड़ेगा हमारे देश। तो कायदे से इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए अगर डॉलर बढ़ रहा है तो हमारे लिए अच्छा है, उसमें कोई खराबी नहीं है। क्योंकि अगर 72 का डॉलर होगा या 74 का डॉलर होगा तो बाहर के इम्पोर्ट महंगे पड़ेंगे, और हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। बिकॉज अल्टीमेटली अगर डॉलर बहुत ही सस्ता हो जाता है तो आपको सब कुछ आप इम्पोर्टेड ही ले लीजिए ना, फिर आपको कॉटन की जरूरत भी नहीं है, जिनर की जरूरत नहीं है, स्पिनर की जरूरत नहीं है, गारमेंट की जरूरत नहीं, पूरा रेडीमेड गारमेंट इंडिया में आ जाएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग तभी होगी जब बाहर का इम्पोर्ट महंगा पड़ेगा। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि भाई डॉलर हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, अगर डॉलर सस्ता हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में ग्लोबल हर कंपनी, हर कंट्री ये चाहती है कि हमारी करेंसी का भाव जो वीक हो जाए, यूएस उन पर सेंक्शन लगाते हैं जिसकी करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो अभी समझ के चलिए कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वीक करेंसी या महंगा डॉलर हमारे लिए अच्छा है इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सस्ता है महंगा, एक्सपोर्टर अपना संभालेगा, इम्पोर्टर अपना संभालेगा, दोनों ने वोट देना है नहीं देना वो एक अलग बात है, गवर्नमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी तरीके से। काफ़ी लोग कहते नहीं कि एक्सपोर्टर के बारे में नहीं सोचते गवर्नमेंट, इम्पोर्टर के बारे में नहीं समझते, उनको तो दोनों के बारे में समझना है। एक्सपोर्टर को देखेंगे तो इम्पोर्टर नाराज हो जाएगा, इम्पोर्टर को देखेंगे तो एक्सपोर्टर नाराज हो जाएगा, तो इसलिए दोनों में से किसी को नहीं देखते। अब दूसरी एक चीज़ है कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम लोग फल सब्जी सब लोग खरीदते हैं, अभी अंदाजे से खरीदते हैं, या 2 किलो आलू दे दें या 2 किलो सेब दे दें, हमेशा देख के देखते हैं कि भाई बराबर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। और डॉलर के मामले में हम इंटरनेट से देखते भैया क्या प्राइसिंग है, अंदाजे से ले लेते हैं, बैंक बोलता है भैया बेस्ट रेट मिल रहा है आपको, आप ले लीजिए, हम लोग ले लेते हैं। तो मेरा एक उसमें एक सिंपल सबमिशन ये है कि आपके पास अपना तराजू होना चाहिए जो आपका अपना हो। जब तक आप अपना लाइव स्क्रीन अगर आपके पास नहीं है और आप बैंक से प्राइसिंग ले रहे हैं, आपको हमेशा प्राइसिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा, वो नॉर्मल सब जगह एप्लीकेबल है। आपको अपनी सतर्कता अपने पास रखनी पड़ेगी, क्या प्राइस चल रहा है, एक्चुअल रेट क्या है, कैश फ्लो क्या है, प्रीमियम क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे बिजनेस में बहुत प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आता है। आप 2-2 लाख 5-5 लाख डॉलर बदलते हैं, उसमें अगर 10 पैसे का भी ऊपर नीचे होता है तो 50,000 रुपये का नुकसान होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जहाँ पे आप इस तरीके से आप अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। फिर हम लोग भी कोशिश करते हैं कि भाई ब्रॉडली अगर ट्रेंड हमें क्या समझ में आ रहा है, हम लोग ये नहीं कहते कि हमें 100% पता है कि भाई डॉलर कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, बट 60-70-75% हम लोग ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि डॉलर हमें कहाँ लग रहा है। और हम उसमें भी इस तरीके से स्ट्रैटेजी देते हैं कि अगर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं भी जाता और गलत है 50 पैसे 1 रुपये, तो हमारे क्लाइंट को नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज हम लोग अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा ये है कि आपके बजट में रेट क्या है,
तो वो रेट पकड़ के रखना दिमाग में जरूरी है, बिकॉज अगर उससे बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा तो नुकसान आपका बढ़ रहा होगा। इस पर हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया आज की डेट में कि भाई एज वन एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर हमारे पास कितने ऑर्डर्स ओपन है, किस रेट के ऑर्डर्स है, वो सारा मैनेजमेंट हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर भी हम लोगों ने बनाए हैं, मे बी इन योर किसी को रिक्वायरमेंट है तो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट्स है, कैसे है, इसमें लाइव रेट्स, आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अगले महीने में कौन सा ड्यू है, दो महीने में कौन सा ड्यू है, मार्केट से उसमें कितना प्लस माइनस हो गया है, उसकी पूरी कॉस्टिंग, पूरा डिफरेंशियल आप इसके अंदर देख सकते हैं। This is that software प्रणाली में मार्केट लाइव रेट्स, प्रीमियम, सब चीज़ें इसमें अवेलेबल रहती हैं, कितना एक्सपोजर आने वाला है, कितना हेज्ड है, कितना अनहेज्ड है। सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड इन हाउस बाय आवर कंपनी। आज के डेट में इस तरीके का सॉफ्टवेयर मार्केट में कोई प्रोवाइड नहीं करता। सो हमारा हम लोग क्या काम करते हैं एज ए एडवाइज, हम लोग क्लाइंट्स को आपका जो फॉरेक्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला सारा काम हम सारा कंट्रोल करते हैं, लेकिन बैंक आपका सिर्फ लेन देन करेगा, किस लेवल पे लेन देन करना है, कब हेजिंग करनी है, रेट अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पीसीएफसी अच्छा है या पीसीआईएनआर अच्छा है, सबवेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है, बायस क्रेडिट अच्छा है, रूपी क्रेडिट अच्छा है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ें। हमारा मानना ये है कि जो लोग हमसे इसमें काम करते हैं उनका नेट प्रॉफिट हम 10-20% तक नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और सारी चीज़ें मेजरेबल है, हर चीज़ की एमआईएस और हर चीज़ का डिटेल आपको मिलता है। काफ़ी क्लाइंट्स आपके से हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, करीबन इंडिया में आज की डेट में 500 से ऊपर क्लाइंट एडलवाइस के साथ एसोसिएटेड हैं, 40 लोगों की टीम है हम लोगों की जो प्राइमरी फॉरेक्स में कंपनीज को एडवाइस करती है। सो दिस इज अ नटशेल फ्रॉम आर एंड, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज आई विल बी हैप्पी टू आंसर नाउ, और मे बी अगर आपका कोई क्वेरी है करेंसी रिलेटेड या आपको कोई तकलीफ है, वी कैन आंसर इट नाउ और मे बी आफ्टर सम टाइम, व्हाटएवर टाइम सूट्स यू। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? Sajal, the question will take a lunch. We had planned to